चाइनीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ के जी के करीब चिकन लिए, 3 अदद अंडे लिए, चंद हरी मिर्चें, शिमला मिर्च, आलू है ये एक, चंद गाजरें हैं और ये बंद गोभी है। अब हम इन सबको बारीक कटिंग कर लेंगे और चिकन और अंडों को बॉईल कर लेंगे। मैंने सबसे पहले यहाँ पर ऑयल डाला है, एक बड़ा पतीला लेकर इसमें हम थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल इतना होना चाहिए कि जिसमें आप अगर चावल वगैरह भी सब डालें, सारी सब्जियाँ वगैरह, तो वो आसानी से उसमें मर्ज हो जाए। मैंने तकरीबन 1 पाव से करीब ऑयल इसमें डाला है। ऑयल ज़रा गर्म हो जाए तो हम इसमें 2 अंडे डालेंगे। अंडों से क्या होता है कि इसमें खुशबू चाइनीज़ में बड़ी प्यारी आ जाती है। यहाँ पर मैं इन अंडों को घुमाकर तोड़ दूँगी, बस इसको रफ साम घुमा लेंगे और इसको ब्राउन कर लेंगे। अंडों को हम ज़रा रेडिश आने तक पकाएंगे, थोड़े से ये पिंक हो जाए ताकि उसमें तेल के अंदर इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाती है और एक कलर भी थोड़ा प्यारा सा आ जाता है। लाल हो रहे होते तो इसमें थोड़ा झाग आ जाता है। ये देखें आप, तकरीबन हमारे अंडे ब्राउन शेड के हो गए। अब इसमें यहाँ पर मैं टमाटर डालूंगी और टमाटर के साथ ही यहाँ सारी वेजिटेबल्स, जो ये बंद गोभी कटी हुई थी बारीक, ये जूलियन कटिंग में हमने हरी मिर्चें काटी थी। हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, आप अपने हिसाब से थोड़ा कमी बेशी कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैं गाजर डाल रही हूँ, शिमला मिर्च है कटिंग किए हुए, ये सब इसमें ऐड करके हल्का सा हम घुमा लेंगे। देखिए आप देख रहे हैं कि ये झाग खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। इसमें एक खुशबू अच्छी अजीब सी अंडे की जो अच्छी सी खुशबू होती है वो बैठ जाएगी और ये झाग देखिए आप खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। अब इसमें हम नमक डालकर 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। यहाँ पर मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, वेजिटेबल्स के हिसाब से ही नमक डालेंगे। यहाँ पर मैं आलू भी इसमें ऐड कर रही हूँ, पतले पतले काट लिए थे जिसको हमने बारीक काशों में। कटिंग तो आप अपने हिसाब से जो आप चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं। बस अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 5 मिनट हो गए, यहाँ पर ये वेजिटेबल्स जो हैं ये हल्का फुल्का गल गई हैं, बाकी ये चावल के साथ गल जाएंगी। यहाँ पर हम आधी चिकन इसमें ऐड कर देंगे, आधी सूप में ऐड करेंगे और ये बॉयल अंडे यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, ये चिल्ली सॉस ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हम काली मिर्च तकरीबन 1 चम्मच भर के काली मिर्च मैंने ऐड किए, इसको हम घुमा लेंगे। और इसमें ये मैंने चावल सारे बॉयल किए हैं, जो अब मैं ये सारे चावल इसमें बॉयल चावल ऐड कर रही हूँ। ये हम थोड़े थोड़े करके ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से घुमा लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप चाहें तो कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये चावल हमने अच्छे तरीके से वेजिटेबल्स में मिला दिए। अब इसको हम ढककर तकरीबन 10 मिनट तक दम पर रखेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर। 2 चम्मच बड़े वाले हैं ये मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है और इसको हम पानी में थोड़ा मैश कर लेंगे, आराम से ये हल हो जाता है। यहाँ पर मैंने जो चिकन बॉयल की थी वो इसी पानी में बॉईल कर ली थी और इसी में से ही चिकन बॉईल करके निकाल ली थी ताकि उसकी यखनी हमें मिल जाए। अब इसमें हम यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। ये फौरन ही तकरीबन गाढ़ा हो जाता है, देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया। यहाँ पर हम इसमें अंडा ऐड करेंगे, चिकन ऐड कर दूंगी मैं,
थोड़ा सा यहाँ पर चिल्ली सॉस ऐड किया है, यहाँ पर थोड़ी काली मिर्च ऐड की है मैंने। देखिए यहाँ पे सूप गाढ़ा हो जाए, इसके बाद हमने इसमें एक अंडा फेंटा है मैंने, और उसको मैं ये जब इस तरीके से हम डालेंगे तो ये एक प्यारा सा इसमें आ जाएगा अंडे का। और ये देखें ये बहुत प्यारा लगता है इस तरीके से, सूप बहुत प्यारा बन गया हमारा। ये सूप हमारा रेडी हो गया है सर्विंग के लिए। चावल हमारे दम पर आ गए, बस अब हम इसको सर्व कर लेंगे ट्रे में। यहाँ पर हमारे चाइनीज़ चावल रेडी हो गए विद सूप के। यहाँ हमने सूप बना लिया है, ये कॉल स्लूफ बना लिया है थोड़ा। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आप कोई भी कमेंट देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। चलें अब मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।